नहीं लास्ट टाइम कहां तक किया था बेटा हमने? मतलब वो मतलब ग्रीन एल्गे शुरू कर रहा था ना। एलगी। हाँ तो फर्स्ट आता है बेटा थ्री टाइप्स ऑफ एल्गे। फर्स्ट क्या था? क्लोरो पाइसी। स्टडी ऑफ एल्गे क्या होता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, राइट। तो क्लोरोफाइसी को हम किस नाम से बुलाते हैं? ग्रीन एल्गे। किस नाम से? ग्रीन एल्गे। देखो तीन तरह की एल्गे होती है बेटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, राइट। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लियर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे? ग्रीन एल्गी। तो दे आर यूजुअली ग्रीन बिकॉज दे हैव क्लोरो फिल। बोलो बात समझ में आती है? सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल कौन सा होगा बेटा? ए एंड बी। बी टू टाइप का क्लोरोफिल का मतलब क्या हुआ बेटा? उसके ये दो तरह का क्लोरोफिल है क्यों? लॉजिक एक तरह के होने से क्या होता, दो से क्या फायदा होना है? आप बताओ सोनल। गुंजर, दो टाइप का क्लोरोफिल क्यों है बेटा? देखो आउट ऑफ टू टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों कहा मानस मैंने? चीफ पिगमेंट क्यों है ये? कलर आता इसकी वजह से कलर आता है। हाँ ग्रीन कलर। है। कलर से तो चीफ पिगमेंट में इसको नहीं बोलूं, क्योंकि लाइट अब्जॉर्ब क्योंकि ये करता है। ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता कर, याद है कुछ लाइट रिएक्शन है। क्या कहा जाता है उसमें? क्लोरोफिल ए जहां पर होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में अपन लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें क्लोरोफिल ए मिडल में होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? आसपास के स्ट्रक्चर होते हैं। एलएचसी मालूम है, याद है कुछ? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एलएचसी में क्या होता था? वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय मेनी अदर पिगमेंट्स एंड दीज पिगमेंट्स बिलोंग्स टू क्लोरोफिल बी सी डी, रिथ्रो, कोई और पिगमेंट हो गया। जैसे कोई और पिगमेंट कौन सा हो सकता है? फाइकोरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, है ना। ये सारे पिगमेंट्स हैं, इनका काम क्या होता था? एनर्जी गैदर करना, और किसको देना? क्लोरोफिल ए को। तो जो बाकी के पिगमेंट्स हैं इनका काम एनर्जी को गैदर करना है। चीफ पिगमेंट कौन है बेटा? क्लोरोफिल ए है, जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन पॉसिबल होता है। इसे कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। याद है कुछ? जो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है। पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, है ना। तो थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना अब शुरू करेंगे हम, है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम चीजें रिलेट करते हुए जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अभी जो मैंने बताया ये आपने पढ़ा नहीं है, मेरे साथ नहीं पढ़ा। एटलीस्ट वैसे तो पढ़ा है ना प्लस वन, तो मेरे साथ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं ये मान सकता हूँ कि चलो नहीं आता तो हम पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। चलो, तो क्लोरोफिल ए और बी होगा बेटा, और क्या होगा इसके बाद? मोस्ट ऑफ द मेंबर है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरेनॉइड्स। बेटा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको आप स्टार करके लिख लेंगे। व्हाट आर पाइरेनॉइड्स? दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग बॉडीज। क्या है बेटा ये? प्रोटीन स्टोरिंग बॉडीज। बोलो बात समझ में। तो अब क्वेश्चन कई बार बच्चों के दिमाग में ये उठता है कि प्रोटीन ही स्टोर होती है क्या, फूड स्टोर नहीं होता? होता है भाई, बट उसमें स्पेशलाइज्ड फीचर क्या है? प्रोटीन स्टोर। मूंगफली मालूम है? मूंगफली कहते हैं, मूंगफली में बहुत सारा क्या होता है कि प्रोटीन फैट नहीं होता, तो फिर प्रोटीन ही क्यों होता है तुम्हारे दिमाग में? क्यों प्रोटीन है? क्योंकि वो जाना होता, क्योंकि बाकियों में ऐसा नहीं है। समझे मेरी बात? कुछ एक्सक्लूसिव है ना, कुछ अलग है उसमें। समझ में आ रही बात? तो मूंगफली के दाने में प्रोटीन ज्यादा है, इसलिए उसमें उसको कंसिडर किया जाता है ज्यादा, है ना। जैसे दालें हैं, दालों में भी प्रोटीन ज्यादा, कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा दालें खाओ अगर आपको मस्कुलर बनना है। समझ में आती है बात? तो इस तरह से पायरेनॉइड स्टोरिंग बॉडीज है, प्रोटीन स्टोरिंग बॉडीज है, नोन एज पायरेनॉइड, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगी, राइट। तो इनमें प्रोटीन्स होगा। बाकी बेटा स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, इसमें फूड क्या होगा? स्टोर भी होगा। तुम्हें मालूम है ना ऑयल से ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू स्टार्च या ग्लूकोज। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ।
तो इनके पास बेटा सेल वॉल होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। देखो यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल होती है जिसमें दो तरह की इनर और आउटर लेयर। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। तो सेल्यूलोज का ये बना होता है और आउटर बना होता है बेटा पेक्टोज का। तो मुझे पेक्टोज का बना होता है आउटर, है ना, आउटर लेयर। सेल्यूलोज पता है ना होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज मोनोमर है इसका। पेक्टोज क्या है बेटा, इट इज हिट्रोपॉलीमर। क्या है ये, हिट्रोपॉलीमर। लिख लो, हिट्रोपॉलीमर माने जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर यूज हो। एक बात समझ, अभी हम बायोमोलिक्यूल भी पढ़ेंगे जस्ट इस यूनिट के बाद। बायोमोलिक्यूल सेल डिविजन सेल पर एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम यूनिट बोला तो चैप्टर नहीं है ना। इस यूनिट के बाद तुरंत हम उस वाले पे जाएंगे। आज कितनी तारीख है, एक एक, ठीक है, हाँ हो जाए, छह से पहले पहले निपटाएंगे। देखते हैं, तेरे को मेरी शक्तियों पे भरोसा नहीं हो रहा। चलो आगे चलते हैं। जरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो बेटा एक तो इसमें क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन। ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है बेटा जतिन। फ्रेगमेंटेशन किसके अंडर आता है, एसेक्सुअल वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल के अंडर क्या आएगा, स्पोर्स। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो फ्रेगमेंटेशन होगी या फिर स्पोर्स होंगी। देखो ये बात तो गांठ बांध दी कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगी, एक तो वो सिर्फ प्लांट्स में होगी क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स होते ही उन्हीं के पास है। हमारे पास लीफ पत्तियां वगैरह है कुछ, पत्तियां माने पति वाला पति, बहुत गंदा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। ये भी बहुत आसान है, हम बात कर चुके हैं। ज़ूस्पोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके नाम में ज़ू लग गया मतलब वो क्या है, मोटाइल। कोई दिक्कत इसमें? और ऑब्वियसली फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा, ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इन मे बी आइसो एनाइसो एंड ओगैमस। ये भी हम पिछले चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, आइसो एनाइसो एंड ओगैमस। ये समझ में आता है, आपकी अलग लगेंगी कल से क्लासेस, है ना, तो उसमें ये सब कुछ रिपीट हो जाएगा वापस, ठीक है। तो क्या क्या है, आइसो एनाइसो, कल से मतलब मंडे, आइसो एनाइसो एंड ओगैमस। आइसो माने सेम सेल, एनाइसो माने एक बड़ा एक छोटा, उ माने एक बड़ा नॉन मोटाइल, और ये चुटकू और मोटाइल। बात समझ में, कोई दिक्कत पक्का, क्लियर यहाँ तक? चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं बेटा। पहला एग्जांपल है वॉल वॉक्स, क्या एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, क्या है, यूलोथ्रिक्स। एक और एग्जांपल है स्पायरोगायरा। एक और एग्जांपल है बेटा क्लेमाइडोमोनास कारा, क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कैसा है, सिंगल सेल, कैसा है, अर्जित समझ में आ रहा है बच्चे? वॉल वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास कारा, ये सारे क्या है बेटा इसके एग्जांपल्स। कोई दिक्कत पक्का, ठीक है, चले फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्राउन एल्गे पे, किस पे आते हैं, ब्राउन एल्गे। बच्चों को ना भेज ही देता हूं मैं तुम्हें पहले। बेटा नाम क्या है इस चैप्टर का, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। अरे नहीं, प्लस टू, प्लस टू किधर गया, आ गया होगा ना, इसको निकाल लो अर्चित, ठीक है। आई बात समझ। अब बेटा हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गे, दैट इज फियोफाइसी। किस पे आते हैं नेक्स्ट हम, फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गे। कोई दिक्कत, ठीक, ब्राउन सब कुछ ठीक रहा तो दो ट्विंस भी आ रहे हैं,
और दो ही ट्विंस नहीं, दो आ रहे हैं। अब सुनना, कोइंसिडेंस का बाप है ये चीज, दो ट्विंस आ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग ट्विंस, मतलब चार आ रहे हैं टोटल, जिसमें वो दो पेयर है ट्विंस के। और मजे की बात है, दोनों के नाम सेम है, नाम सेम है। मतलब दो जो दो ट्विन है ना, उनके जो नाम है सेम ही नाम। ऐसा वैसे मैंने बोला है कि वेरीफाई करो, तुम एक ही को तो नहीं दो मान रहे दो सीबीएसई में दो एक्सम, तो ये रहेगा कि वो क्लास में नहीं होंगे बट होंगे वो अलग। यहाँ पे आ गए। चलो लिखो, मरीन हैबिटेट में मिलेंगे बेटा, ये किसमें मिलेंगे? मरीन हैबिटेट, मरीन समझते हो ना, खारे पानी में, ठीक है। रेंज फ्रॉम सिंपल, देखो काफी ज्यादा फैलाव है इनका, सिंपल ब्रांच्ड मानस। Yes, मुझे बताओ बेटा, फंगस की वो क्लास जिसमें हाइफेसिनोसिटिक, वो फाइकोमाइसिटी कौन सा था? फाइको, माइसिटी, किसी को ही हम एक और नाम से बुलाते थे, गुंजन नाम क्या था बेटा इसी के, फाइको का मैंने लिखवाया था ना अलग से, दैट इज जाइगोमाइसिटिस, है ना, याद रखना, क्योंकि पेपर में जाइगो करके भी आ जाएगा और तुम बोलोगे ये तो करवाया नहीं हमें, है ना, जबकि वो किसका नाम है, सेमी फाइको का। आई बात समझ में? ठीक है, तो बेटा ये सिंपल है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ये कैसा हो सकता है? फिलामेंटस। तुमने किसी ने एक्वामैन देखी है? उसमें पानी के नीचे वो बड़ी बड़ी सी झाड़ियां झाड़ियां निकल रही होती है साइड से, और एक टाइम एक जगह पे उसका सिंहासन होता है, बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती है, एक्चुअली वो ब्राउन एल्गीज होती है सारे, तो बड़ी बड़ी फिलामेंटस ऐसे झाड़ियां झाड़ियां सी लगी होती है। आई बात समझ में? फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस का एग्जांपल लिख लो, दैट इज एक्टोकार्पस। क्या लिखना बेटा? एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फ्रॉम आर रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। तो इनको किस नाम से बुलाया जाता है? कैल्प्स नाम से, ठीक है। बहुत सारे कैल्प्स वगैरह हैं, विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो ये लगभग कितनी हो सकती है? 100 मीटर की हाइट की हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है। दे पोजेस क्लोरोफिल, क्वेश्चन इस पे आएगा बेटा, इस पे क्लोरोफिल ए एंड सी। तो होमवर्क तुम्हारा क्या है, अगर तुमने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, क्लोरोफिल बी का और क्लोरोफिल सी का, देन क्लोरोफिल डी का फॉर्मूला लिख के आना है कल तक, ठीक है। और इसको मजाक में नहीं लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जा, ठीक है, किसी दिन तुम निकलो ना बिना दही चीनी खाए तो फिर ऐसे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पास और कौन कौन से पिगमेंट होंगे? कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। कौन कौन से होंगे बेटा? कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। बोलो बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इनका जो कलरेशन है, दैट इज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड्स माने इसके बहुत सारे कलर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिपेंड करता है इसके अंदर पिगमेंट कौन सा है। अगर बहुत ज्यादा ब्राउन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा इनमें से बताओ? जेंथोफिल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जेंथोफिल फॉर ब्राउन कलर, है ना। जैसे कि सोनल, ब्लू ग्रीन एल्गे में ब्लू कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? फाइकोबिलिन। कौन सा होता है? फाइको, हमने पढ़ा है ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना, तो ब्लू कलर इज ड्यू टू फाइकोबिलिन, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, फूड स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, किसकी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। तो देखो, लेमिनेरियन और मैनिटोल क्या है, एक्चुअली ये फॉर्म है किसकी बेटा? कार्बोहाइड्रेट। अलग अलग सी फॉर्म है, कार्ब सी है, याद रखना, अलग नहीं है कुछ भी, है ना, लेकिन उसकी अलग अलग वाली फॉर्म है, दैट इज लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। तो इनका नाम अलग अलग क्यों है मानस? अलग फॉर्म से क्या समझ में आता है? इसमें कोई और एग्जांपल बता सकते हो मुझे ऐसा? कोई और बायो में जो कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं,
कहीं और याद करो बेटा, सेल सेल में याद करो गोल्जी बॉडीज. इन केस ऑफ एनिमल गोल्जी बॉडीज इज नोन एज, इन केस ऑफ प्लांट गोल्जी बॉडीज आर नोन एज. सेंट्रियोल कहा जाता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. किसमें मिलता है बेटा ये? सिर्फ बोलो, ये सिर्फ मिलता है एनिमल सेल, ठीक है? और इसमें प्लांट में, और प्लांट में क्या मिलेगा बेटा? माइक्रो ट्यूब्यूल. क्या मिलेगा? तो है, तो सेंट्रियोल इज आल्सो मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, बट वो उसकी कैसी फॉर्म है? प्रिमिटिव फॉर्म या पुरानी फॉर्म. बाद बाद में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हुआ तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया. समझ में आती है मेरी बात? लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल वो काफी प्रिमिटिव, क्योंकि प्लांट अपने से पहले आए ना, कितना पहले? 3 या 4 दिन काफी साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है इसलिए उसकी जो फॉर्म है उसका नाम अलग है. क्लियर? याद है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं. वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोज सेल वॉल. क्या है बेटा इसके सेल वॉल में? सेलुलोज सेल है, यूजली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी. कैसी कोटिंग है बेटा? जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन. कोई दिक्कत? बोलो बोलो, शाबाश, पक्का? ठीक है, क्या है एल्गिन? क्या है बोल रहे हैं? जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन मतलब एल्गिन कोई क्या है? सब्सटेंस है जो जिलेटिनस कोट करता है, राइट? एल्गिन भी क्या है? पॉलीसेक्राइड. क्या है बेटा ये? आई बात समझ? चलो लिखो जरा एग्जांपल लिखो. फर्स्ट क्या है? एक्टोकार्बस. दूसरा एग्जांपल क्या है? डिक्टियोटा. क्या है? डिक्टियोटा. डिक्टियोटा. तीसरा क्या है बेटा? लेमिनेरिया. लेमिनेरिया. चौथा क्या है? सोरियासिस. लेमिनेरिया. फोर्थ एग्जांपल? सार्गासम. सार्गासम. और फिफ्थ इज एक्टोकार्बस. हम पढ़ चुके हैं सार्गासम. क्या बोल रहे हो बेटा? हो गया, लिख लिया? क्या क्या एग्जांपल लिखे? सार्गासम, लेमिनेरिया, ये सब, ठीक है? अब बस 2-4 पॉइंट और लिखने हमें इसके बारे में. एक्चुअली ये कैसे हैं? थैलर्ड बॉडी है ना ये भी. सारी एल्गी क्या होती हैं? थैलर्ड्स. क्या होता है बेटा जतिन? थैलस. कल हमने बात की थी थैलस के बारे में. अब बोलो बोलो, शाबाश. थैलस क्या होता है जतिन? आप शिवास्मी है उन्हें? नहीं है. ओके, श्वास में आज एबसेंट है मतलब, है ना? एबसेंट नहीं रहना चाहिए वैसे ना. हाँ क्या होता है? भूल गया क्या बता रहा था मैं. थैलस. थैलस थैलस क्या होता है? हाँ जी, नो ट्रू बॉडी. जहां पे बेटा किसी प्लांट के पास, ध्यान से देखो, थैलस क्या होता है जतिन? जहां पे नो ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स प्रेजेंट ना हो. मतलब ये तीनों में से कोई ना हो. ट्रू का मतलब सच्चे, सच बोलते हो. ट्रू का मतलब क्या होगा सुनो? मतलब इस केस में लाइक जो स्टेम है तो पिछली बार ना मॉर्फोनी पढ़ाई थी. आपकी गलती. आपकी गलती. हाँ बेटा, बेटा नोड से अराइज हो. स्टेम पे नोड्स होती हैं,
नोड से अराइज होती हैं ब्रांचेस, लीफ प्राइमोर्डिया अराइज होती हैं, है ना, तो वहीं से लीफ अराइज होती है। हाँ, पोटैटो को, बिकॉज दे हैव नोड्स, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। तो इसके पास क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट लीव्स और स्टेम्स, दे हैव रूट की जगह पे क्या होगा बेटा, होल्ड फास्ट, क्या होगा, होल्ड फास्ट, और लीव्स की जगह पे क्या होगा, स्टेम की जगह पे क्या होगा, स्टाइल, और लीव की जगह पे फ्रॉन्ड, आई बात समझ में, तो दीज आर सम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, पुराने स्ट्रक्चर्स, है ना, समझ में आ रही है बात, यही स्ट्रक्चर बाद में स्टेम लीव्स और रूट में ओरिजिनेट हुई, क्लियर है यहां तक, जब ये मॉडिफाई हुए ना, होल्ड फास्ट बन गया रूट, स्टाइल बन गया स्टेम, और फ्रॉन्ट बन गया लीव, समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, चले फिर आगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, किसके थ्रू होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाय बाय, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द एल्गी कंटेन, और नीचे ये भी नहीं लिखा होगा ग्रीन रेड, नीचे एग्जाम्पल लिखा होगा एक्सोकार्पस, या दिया होगा दूसरा एग्जाम्पल दिया होगा, मान लो आपको ग्रीन एल्गी का, जैसे कि वॉलवॉक्स दे दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया होगा रेड एल्गी का, समझ में आई बात, और चौथा दिया होगा फंगस का, और जो चौथा करके आएगा वो उसको पता ही नहीं होगा कि फंगस और एल्गी में क्या डिफरेंस है, आई बात समझ में, तो ऐसा नहीं करना, आई बात क्लियर हुआ है यहाँ तक, क्या होंगे बेटा, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन पियर शेप्ड ज़ूस्पोर्स, ये आ चुका है ऑलरेडी, तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्लियर, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अरेंज्ड, तो दीज आर बाइलेटेड एंड बायफ्लैजिलेटेड एंड अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा टाइप समझ लो, है ना, अटैच्ड फ्लैजिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसो एनाइसो एंड ओगैमस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हाँ पीएआर ही लिखा है भाई साहब, तेरे को दिखने का पीयर शेप भी तो लिखा, सॉरी कलर नहीं शब्द ब्लाइंडनेस, नहीं सब ब्लैक की जगह व्हाइट दिख रहा था ना, गोल दिख रहा था, पीयर शेप, आई बात समझ में, तो जिसकी सिर्फ चार बजे से आपको बहुत देखने चला गया पी शेप हो गया था, आई बात समझ, तो पीयर शेप हो गया, अब यूनियन ऑफ गैमेट मे बी टेक प्लेस, गैमेट टेक प्लेस वाटर और विद इन द, तो या तो जो यूनियन है मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, या तो वो वाटर में मिलेंगे या फिर इनसाइड द ओगोनियम, देखो इसके मायने बहुत ज्यादा है जो मैंने आपसे कहा, है ना, अगर ये वाटर में मिलते हैं तो इसका मतलब जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो कहां बन रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेकिन अगर वो ओगोनियम में मिलते हैं तो वो कहां बन रहा है, इनसाइड ऑफ द बॉडी, और एक और मजे की बात बताऊं, जब भी दो गैमेट मिलते हैं तो एन एन नंबर मिलते हैं आपस में, बिकॉज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और हमें मालूम है एल्गी इज हैप्लॉइड, कैसी बॉडी है बेटा इनकी, गैमेटोफिटिक, माने हैप्लॉइड है ना पूरी बॉडी, बहुत अच्छा ना, गैमेटोफिटिक है, तो ओगोनियम भी कैसा होगा, गैमेटोफिटिक, और अगर इसके अंदर ये दोनों की यूनियन बनी, मतलब ये क्या बनेंगे 2N, तो मतलब इसका मतलब स्पोरोफिटिक किसके ऊपर ग्रो करेगा, गैमेटोफिटिक के ऊपर, बोलो बात समझ में, धीरे धीरे आएंगे, अभी मैं साइकिल बनाऊंगा फिर आएगी, ठीक है, तो ये समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और पूरा प्लांट फिजियोलॉजी इसी पे डिपेंड है, इसी तरह की चीजों पर, और मजे की बात एक और है कि इसमें सीधा जायगोट बनने के बाद क्या हो जाएगी, एकदम,
क्योंकि गेमेटोफिटिक बॉडी है ना भाई साहब, समझ आ रही हो? ये अभी जब साइकिल बनाएंगे फिर लिखना ही, अभी मत, है ना? तो अभी इनको लिखो बस जो बता रहा हूँ अभी। आउटसाइड वाटर में होगी या फिर उगोनिया के अंदर? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बेटा? अच्छा एग्जांपल मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है? पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म कहा जाता है बेटा पियर शेप को, क्या कहा जाता है? पायरीफॉर्म। हाँ तो हो सकता है ऐसा है, पायरी या पायरीफॉर्म? पायरी, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी, क्या आता है बेटा? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, ठीक है। चलो जरा इसमें आते हैं, प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट इज आर फाइको रिथ्रिन, आर फाइको रिथ्रिन मानस। इरिथ्रिन से क्या समझ में आता है बेटा? इरिथ्रिन से क्या समझ में आता है? इरिथ्रिन से इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोसाइट्स, रेड। व्हाट इज कॉमन हेयर? रेड। What is common here? It is responsible for red color as well as iron is common. Nice, right? है ना? Iron क्या है? Common है इन चीजों में और red color common है। समझ में आ रही है बात? तो it is तो both are interlinked ना? Erythrocytes iron होता है, erythroxylum, phycoerythrin इस pigment में भी क्या होगा? Iron होगा। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना है चीजों को interconnected रखना है। Clear यहाँ तक? चलो आगे। The food is stored इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिड इन स्टार्च, किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? फ्लोरिड इन स्टार्च। समझ में आ रही है बात? फ्लोरिड इन स्टार्च अनदर कैसी फॉर्म है स्टार्च की? थोड़ी एडवांस फॉर्म है, ठीक है? एडवांस मतलब थोड़ी अच्छी फॉर्म है, समझ लो ऐसे समझ लो, या अदर फॉर्म है ऐसे समझ लो, ठीक है? विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलो पेक्टिन, इसीलिए कहा मैंने इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, क्योंकि ज्यादा मैच किससे कर रही है? अमाइलोपेक्टिन। और मजे की बात यह है कि सोनन को पता ही नहीं अमाइलोपेक्टिन क्या है। सोनन गुंजन बेटा अमाइलोपेक्टिन क्या है? देखो इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अभी हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है और वो क्या है? हाईली ब्रांच, ये चेन्ड है, सीधा सीधा चेन्ड है, और ये कैसा है बेटा? ब्रांच है। बस इससे आगे अब हम बायोमोलिक्यूल में इसको देख लेंगे, ठीक? यस। कोई दिक्कत? देख लिया? नेक्स्ट पे आओ। अमाइलोपेक्टिन किसके सिमिलर होता है? ग्लाइकोजन के। एक्चुअली अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज के साथ जुड़ा है इसलिए वो स्टार्च बना, ठीक है? वहां पे सिंपल ग्लाइकोजन में सिंपल यही होता है अमाइलोपेक्टिन, मतलब इसकी जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर, तो अलग से नाम दे दिए इसका, है ना? आ जाओ नेक्स्ट पे। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, किसके थ्रू करेगा बेटा? फ्रेगमेंटेशन। बोलो बात समझ में? सबको समझ में आई? चलो नेक्स्ट पे आओ। रेड एल्गी हो गया, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसमें क्या है? स्पोर्स भी कैसे हैं? नॉन मोटाइल। और गैमेट्स भी कैसे हैं बेटा? नॉन मोटाइल। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सीधा लिखेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच रिप्रेजेंट बोथ नॉन मोटाइल गैमेट्स एज वेल एज नॉन मोटाइल स्पोर्स, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। और नॉर्मली ये एग्जाम्पल से आपको खजल करने की कोशिश करेंगे, है ना? रादर देन की सीधा दे रेड एल्गी ब्राउन एल्गी, है ना? तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो जरा, क्या क्या एग्जाम्पल्स है बेटा? पोरफायरा, रेड एल्गी की क्या क्या एग्जाम्पल है? पोरफायरा। एक और एग्जाम्पल है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया और पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम। जेलिडियम तो ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं ना बेटा, ग्रेसिलेरिया। अब मुझे जतिन एक और ये एग्जाम्पल बताएगा बेटा इसका, इसका इसी का रेड एल्गी, रेड एल्गी का। हाँ हाँ
कल ही पढ़ा है हमने, है ना? आप बताओ, रुको दो मिनट, आप बताओ अर्चित, सोनल, इट इज कैरेजिन, कल ही तो पढ़ा हमने, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि पिछली बार 2022 के नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सही बात है, है कि नहीं? तो वहां पे सीधा पूछा था कैरेजिन, थोड़ी सी आगे खुली रखनी है वो समय, है ना, दिमाग के साथ, ठीक, समझ में है मेरी बात? यस सर। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी बेटा इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी पूगेट। अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है ना, ये नॉन मोटाइल है, हाँ, जबकि पू में क्या होता है, एक मोटाइल होता है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है इस जगह पे, इसीलिए तो ये ज्यादा अच्छे से अरेंज नहीं मानी जाती है ना, वाटर हो सकता है उसका यूज ना हो, मोटाइल जो पार्ट है उसका यूज ना हो, आई बात समझ में? हो गया यहाँ तक? बाकी बेटा इसके आगे चार्ट है वो आपने पढ़ के आना है, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखो ब्रायोफाइट्स, क्या लिखेंगे नेक्स्ट? ब्रायोफाइट्स, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? ब्रायोफाइट्स। देखो इससे पहले एल्गी की थोड़ी सी लाइफ साइकिल मैं बता दूं, तो एल्गी मान लो इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे क्या निकले? गैमीट्स, मेल एंड फीमेल, दोनों सेम साइज है, दैट मींस कौन सी वाली है? आइसोट्रोप निकले, तो अगर ये क्या करेंगे, इसी के फीमेल पोर्शन पे अगर ग्रो करे, मान लो इस तरह से यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ग्रो करे, जाइगोट बना, तो जाइगोट तो 2N बनेगा ना बेटा, दैट इज स्पोरोफिटिक, बना कि नहीं बना? Yes, तो स्पोरोफिटिक है, और जबकि खुद कैसा है ये? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक माने H नंबर, H नहीं, हैप्लोइड माने N नंबर, और ये स्पोरोफिटिक कैसा है? 2N, और ये कैसा है? N, तो 2N किसके ऊपर ग्रो कर रहा है? N, इमीडिएटली क्या हो जाएगी इसमें? मियोसिस, तो ये क्या बन जाएगा? एन नंबर ऊपर, तो आप चाहे ये अलग से ग्रो करे चाहे इसके ऊपर करे, लेकिन करेगा एन एन के ऊपर ही ग्रो, राइट? यहां से ये फिर से क्या बनेगा? प्लांट बोर्ड, आई बात समझ? और वो आगे चल के इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाफ ऑफ द साइकिल इज इन 2N एंड हाफ ऑफ द साइकिल इज इन N फॉर्म, जिंदगी का आधा हिस्सा कहाँ गया? 2N में, N में और 2N में, और आधा हिस्सा N में, आधा भी नहीं गया एक्चुअली, ये कितना गया? सिर्फ गैमेट ही तो गए, है ना, गैमेट गए और वो तुरंत फट गए, जिसके बाद N में कन्वर्ट हो गए, आधा ना मान के 25% हिस्सा कहाँ गया? 2N और 75% हिस्सा N में, ठीक है? तो जिसका मैक्सिमम पोर्शन कहां पर है बेटा, एन में या 2N में? तो गैमेट ये कैसी होनी चाहिए? हैप्लोइडिक ओनली, कैसी? हैप्लोइडिक तो होगा ना, अगर आधा चेक करो जरा किस में आती है, हैप्लोइडिक में आती ना, तो इसलिए ये किस में आएंगी? हैप्लोइडिक में आएंगी। हैप्लोइडिक लाइफ साइकल्स किसकी मानी जाती है बेटा? इन विच मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम या देयर लाइफ साइकिल इज इन एन फेज, माने हैप्लोइड फेज। हैप्लोइड का मतलब समझ में आता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर? दैट मींस एल्गी कम्स हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? चले फिर आगे, ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा ब्रायोफाइट, आते हैं हमारे पास, ये लिख लिया, देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइट।